बैक टू दिस चैनल। गाना है माय वे बाय फौजी, सहज म्यूजिक। अब इस गाने को लेके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी। मैंने इन सिंगर का गाना पहले कभी नहीं सुना है, मैंने ये गाना भी पहले कभी नहीं सुना है, लेकिन क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी ना, तो रिएक्शन स्टार्ट करने लगे। लेकिन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर गाइज कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, मतलब अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो थम्स अप टू यू, थैंक यू। लेकिन अगर नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हो या नए हो, तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए वही इंपॉर्टेंट है, और बेल आइकन भी। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यू कैन फॉलो मी देयर। सो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते, दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। क्या बात है। निक्की उम्र यही करो बार हो गया, अपने पैरां ते खड़ा यार हो गया, डिगदा सी उठदा सी मुड़ मुड़ बैंदा बेड़ी ला दे मेरी पार। गल बाबे नूं सी कहिंदा ओदे हौसले ते लिख लिख कापी भर ली, जिथे अपने आ छड्डी ओने हां फड़ ली। कोई मालक दी मेहर हुण कोई थोड़ नी, मैनू फोके जे सहारिया दी कोई लोड़ नी। माड़े टाइम च सी छड मैनू कला तुर गए, आया चंगा टाइम चंगे चंगे नाल जुड़ गए। उदों कर कर टिचरां सी जेड़े नंगदे, हुण कर कर फोन ने सलाह मंगदे। अच्छा गली बाती ना तू जानी देखी, चीक कढ़ानी थोड़े टाइम तक फोटो नवी, गड्डी नाल पानी जेड़े मच दे ना दे अग काल जे ते लानी। ਹੁਣ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਧੂੜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਢਿੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸਟੈਪ ਲੰਡੂ ਗਏ ਹਿੱਲ ਸੀ, ਗੁੱਡੀ ਅੰਬਰੀ ਚੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਖਾਤੇ ਨਿਲ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਿਲ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਆ, ਬੇਬੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਬੈਠਾ ਅਰਬ ਚ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਬਾਪੂ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਚੋਬਰ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਚੋਬਰ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਚੋਬਰ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਜਦਾ ਰੋਪੜ, ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੋਂ ਗਰਮ ਖੋਪੜ, ਕਾਂਡ ਦਸਵੀਂ ਚ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਤੱਤੇ, ਪੀਤੇ ਬੁੱਲ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀਤੇ ਦਿਨ ਠਾਣਿਆਂ ਚ ਬੀਤੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਨੇਰਾ ਪੁੱਛੀ ਪਾਸਟ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆ ਲਾਇਆ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾ ਬਜਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕੰਮ ਦਮ ਤੇ ਕਢਾਇਆ, ਕਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਆਨੂੰ ਕਾਕਾ ਫੋਨ ਨੀ ਲਵਾਇਆ। ਕਈ ਵੈਰੀ ਹਲੇ ਕਰਨੇ ਸਵਾ, ਫੌਜੀਆ ਤੇਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ ਰਾਹ, ਫੌਜੀਆ ਪਾ ਦੇ ਗਾ, ਫੌਜੀਆ ਪਾ ਦੇ ਗਾ, ਫੌਜੀਆ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਥੰਮ 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 ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਚ ਦਮ, ਕਰਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕੰਮ ਤਾਈਓ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਫੇਮ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਥੇਰੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਊ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ, ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਰਵਾਹ, जी। माय वे बाय फौजी, 3 दिन हुए गाने को, 99.2 लाख। ओके ओके ओके, इट्स 920 के। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ऐसे मेरे दिमाग में 92 लाख आ रहा था, बट क्या गाना लिखा रहा है, तो 92 लाख भी हो ही जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। माय वे बाय फौजी पहले, और मुझे लग रहा है ऐसा बोल रहे हैं कि पहला ही रैप निकाला है, लेट मी जस्ट चेक, पहला ही होगा, मतलब मैं क्या स्क्रॉल करने बैठूंगी या देखूंगी। लेकिन जो इन्होंने मतलब इसमें, अच्छा मुझे इनके बारे में और बताओ,
लाइक रैपर ही हैं, लग तो रैपर ही रहे हैं, सिंगर नहीं लग रहे हैं, और बात कर रहे थे इसमें अभी अरब में हैं और फिर ये, और ये बात एक जो चीज थी वो बहुत रिलेटेबल थी कि जब कुछ नहीं था तब कोई नहीं था, जब सब कुछ होता है तो हर कोई होता है, ये बात बहुत ज्यादा सही है। ये बात हर किसी की जिंदगी में आपने आजमाई होगी, आपने अपनी खुद की जिंदगी में भी आजमाई होगी, जो भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी इस बात को आजमा चुके होंगे कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत रही होगी किसी की, जब आपको सबसे ज्यादा ऐसे महसूस हो रहा होगा कि आपको किसी का साथ चाहिए और तभी आपके साथ कोई नहीं था, आप थे, आपकी अपनी फैमिली थी, और कितने केसेस में तो ऐसा होता है कि फैमिली भी साथ छोड़ देती है। नाइस, लिखा बहुत अच्छा था। रैप की अगर मैं बात करूँ, रैप बहुत सही था। हाँ, इनको सिंगर नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली नहीं कहेंगे, लेकिन रैप इन्होंने बहुत जबरदस्त किया, लिखा बहुत अच्छा था। मुझे लगता है पता नहीं कितने ही लोगों को ये सुन के इंस्पिरेशन मिलेगी। सुपर्ब, थैंक्स फॉर सजेस्टिंग दिस सॉन्ग। मुझे नहीं पता कि इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट थी और जब मैं करूंगी इस पे तो इतना ज्यादा पसंद आ जाएगा। जनरली मैं रैप्स में इतना हूं नहीं, बट मैंने ये रैप सुने अब तक ताला अंजुम, ताला यूनिक, जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के रैपर्स हैं, उनके रैप काफी अच्छे लगे थे। बहुत कम रैप सुने हैं पर फॉर्चुनेटली जितने सुने पसंद आ जाते हैं। तो या सुपर फौजी, अच्छा ये इन्होंने अपना सीक्रेट नाम दिया होगा, जैसे निंजा ने अपना नाम निंजा रखा हुआ है, तो ये फौजी भी मुझे लगता है कि एक ही बार अपना असली नाम बताएंगे जब इनकी पहचान बन जाएगी। अगर इनका असली नाम आप लोग को ऑलरेडी पता तो बता सकते हो कमेंट्स में। काफी अच्छे रास्ते पे हैं आप, माय वे एंड आई विश की जबरदस्त रास्ता जो आप अपना रहे हैं वो एकदम परवान चढ़े। सो दैट वॉज माई रिएक्शन ऑन माय वे बाय फौजी। कैसा लगा कमेंट्स में बताना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना।